भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक नई गैंग तैयार कर रही है और उस गैंग का सक्रिय सदस्य होने के लिए आप पर कई आपराधिक मुकदमे होने चाहिए, आप हिस्ट्री सीटर होने चाहिए, किसी न किसी महिला नेता का आपने घर जलाया हो या किसी बेटी को छेड़ा हो या बलात्कार में शामिल रहे हो, ऐसी गैंग तैयार कर रही भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपना मिशन पूरा करने के लिए। आज जितेंद्र सिंह बबलू जिस पर कई आपराधिक मुकदमे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनका घर जलाने का आरोप है। किस तरीके से ऐसे अपराधी और आरोपियों को भारतीय जनता पार्टी अपने गैंग में शामिल करके उनका वेलकम कर रही है? योगी जी, आप तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराधियों को घर गिराने का, जेसीबी चलाने की बात करते हैं, ये अपराधी आपका मिशन पूरा करने आ रहे हैं तो इनका वेलकम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी यह दोहरा चरित्र कहां से लाती है? इनके दोहरे चरित्र के बारे में पूरे प्रदेश की जनता जान चुकी है।